हेलो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो। ये है मेखेला चादर, जो असम का ड्रेस है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो ओपन एरिया है, इसको मैं अच्छे से सिल लूँगी। और मैं आज बना रही हूँ दोही बोटा, उसके लिए जो ये फूल देख रहे हैं आप लोग, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, इसी कलर का हमें धागा लेना है। जिस कलर का फूल होता है उसी कलर का धागा लेना है, उसके बाद बनाना है दोही बोटा। तो इधर देखिए, ये जो ओपन एरिया था मैंने सिला लिया है। तो धागा तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, जिस कलर का फूल है उसी कलर का हमें धागा लेना है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। इधर देखिए, मैंने सू लिया है और ऑरेंज कलर का धागा लिया है। धागा को दो फोल्ड में कर ली हूँ और सुई में डाल दूँगी धागा को। उसके बाद इधर मैं लूँगी दो मोती, मोती को भी सुई के अंदर डाल दूँगी। और धागा थोड़ा मोटा लेना है, उतना भी मोटा नहीं लेना है। दो फोल्ड करूँगी, उसके बाद चार फोल्ड हो जाएगा। तो इधर देखिए, अभी मैं कपड़े के अंदर से सुई को निकालूँगी और उसके बाद मोती के अंदर से भी सुई को निकाल लूँगी। और देखिए, मैंने मोती के अंदर से भी सुई को निकाल लिया है। और उसके बाद धागा को थोड़ा लंबा लेना है, क्योंकि जो दोही में बना रही हूँ उसमें गांठ लगाने के लिए थोड़ा लंबा धागा चाहिए, ताकि अच्छे से गांठ लग जाए। तो इसके बाद देखिए, मैं थोड़ा लंबा ली हूँ, अभी मैं काट लूँगी इस धागे को। उसके बाद इधर पे भी एक गांठ लगाऊँगी, ताकि हमारा मोती बाहर ना निकले। ये देखिए, गांठ लगा लिया है। तो ये सिंपल सा तरीका है दोही बनाने का। तो इससे भी मतलब और हैवी डिजाइन है दोही बनाने का। तो लेकिन मैं जो सिंपल तरीका है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो के और। तो इधर देखिए, इधर पे भी मैंने गांठ लगा लिया है। इसी तरीक़े से पूरा में हमें बनाना है। इधर देखिए, मैंने मोती लगा के गांठ लगा लिया है चादर में। उसके बाद मेरे को ये चार कलर का धागा लेना है, ब्लू, पिंक, ग्रीन, येलो। तो ऑरेंज कलर का नहीं ली हूँ, क्योंकि कपड़ा पूरा ऑरेंज कलर का है और धागा भी है जो मैंने गांठ लगाया है कपड़े में, ऑरेंज कलर का धागा मोती के साथ। और उसके बाद जो चार कलर का धागा है, इसको मैं अच्छे से मैं मिला लूँगी। तो देखिए, चार कलर का धागा ले ली हूँ। और आपको एक कॉपी लेना है, कॉपी नहीं है तो कोई एक डार्ट सा कागज लेना है। तो उसमें इस तरीक़े से आपको धागे को लपेटना है। आपको कितना मोटा चाहिए और कितना पतला चाहिए, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इधर देखिए, मैं एक कॉपी ली हूँ, इधर पे धागे को अच्छे से लपेट लूँगी। मैं ज़्यादा मोटा भी नहीं लूँगी, ज़्यादा पतला भी नहीं लूँगी, ठीक मतलब कि मीडियम में लूँगी। तो चलिए फिर मैं धागे को लपेट लेती हूँ।
तो इधर देखिए मैंने इतना ही मोटा लिया, ज़्यादा मोटा भी नहीं लिया, ज़्यादा पतला भी नहीं लिया है। तो हमें अच्छे से इसको लेने के बाद जो मैं धागे को गांठ लगा के रखी हूँ कपड़े में, तो उसी में हमें इस धागे को रखना है और अच्छे से गांठ लगा लेना है, ताकि ये जो मैं धागा ली हूँ वो इस गांठ से खुले ना। तो एक गांठ मैंने लगा लिया है, अभी दूसरा गांठ और लगाना है। तो अच्छे से टाइट करके हमें लगाना है। तो इसे कुचू भी बोलते हैं, कोई लटकन भी बोलते हैं, तो बोल सकते हैं कुचू भी लटकन भी, लेकिन इधर असम में इसे दोही बोटा बोलते हैं। मैं हिंदी में इसलिए बना रही हूँ ताकि सबको समझ में आए, इसी वजह से मैं हिंदी में बना रही हूँ। तो देखिए मैंने गांठ लगा लिया है, अभी ये ऑरेंज कलर का धागा लूँगी, इसको दो फोल्ड करके फिर से मैं इसमें अच्छे से गांठ लगा लूँगी ताकि ये खुले ना। तो इधर देखिए फिर से हमें इसको दो तीन बार लपेट लेना है, तो अच्छे से लपेटना है और टाइट करके हमें इसे गांठ लगाना है। दो बार या तीन बार आप गांठ लगा सकते हैं, खुले ना। देखिए इधर मैं गांठ लगा ली हूँ, अभी इसको अच्छे से मिला के कट करना है। लंबा छोटा नहीं करना है, अच्छे से मिला के कट करना है। इधर देखिए मैंने कट कर लिया है, इधर देखिए कट कर लिया है मैंने, कितना अच्छे से हो गया है। तो इधर देखिए मेरा दो ही बोटा बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और मेरा वीडियो को आप लोग देख पाएँ। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें मेरा कुछ गलती हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, ताकि मेरा जो भी गलती हुआ उसको मैं सुधार सकूं। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।